हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल मोमलेट की रेसिपी। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये मूंग दाल लिया है 1 कप, और इसको हम वॉश कर लेंगे। वॉश करके हम इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए ये अब दाल भीग चुकी है, तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए मैंने इसको ग्राइंडर में डाल लिया है। इसको आप ग्राइंडर में डालकर इसका आप एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ये मैंने इसमें दाल निकाल ली है, और इसमें मैंने ये 3 हरी मिर्च डाल दी है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल देंगे इसमें। देखिए थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल दीजिए, जिससे कि दाल अच्छे से ग्राइंड हो जाए। देखिए मैंने दाल को पीस लिया है। अब हम इसे इस बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके बाद मैंने देखिए ये गाजर को छोटा छोटा कट कर लिया है, शिमला मिर्च है और प्याज है। हम इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप वेजिटेबल्स अपने पसंद से डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। देखिए मैंने ये सभी वेजिटेबल्स को इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। मैंने इसमें मिर्च का यूज़ कम ही किया है। देखिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, इसलिए हम इसमें मिर्च लाल मिर्च पाउडर कम ही डालेंगे। ये देखिए इसके बाद मैंने इसमें राई डाल ली है 1 चम्मच, और इसमें आप धनिया पत्ती डाल दीजिए। और अब हम इसे विस्कर से देखिए अच्छे से मिला लेंगे। आप इसको दाल को अच्छे से मिला लीजिए। अभी मैंने गैस फ्लेम ऑन करके इस पे पैन रख दिया है, और उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें बटर से भी बना सकते हैं इसे, और ऑयल से भी बना सकते हैं। देखिए उसके बाद हम इसे इसमें डाल देंगे। देखिए हमने ये बैटर को इसमें डाल दिया है, और इसको हम फैला देंगे देखिए रोटी की तरह, और इसको एक तरफ से अच्छे से पकने देंगे 3 से 4 मिनट, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए और हमें इसको पलटने में इजी हो। अगर आप इसको उसी टाइम पलट देंगे तो ये टूट जाएगा, और ये अच्छे से गोल रोटी की तरह आपका नहीं बनेगा। देखिए मैंने इसको पलट दिया, और उसके बाद थोड़ा सा घी हम अब दूसरी साइड भी डाल देंगे, कि ये जिससे नीचे की साइड ना चिपके। ये देखिए ये बनकर रेडी हो गया है अब, और ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। हम इसको कट कर लेंगे। देखिए आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ कैसे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए इसमें हमारे मसालों का भी फ्लेवर है, वेजिटेबल्स का भी फ्लेवर है, तो इससे ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, और ये हेल्दी भी बहुत है। और मैंने इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाया है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी बना है ऊपर से भी। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा। इसको आप इस टाइम इसको पकने के टाइम पर आप इसकी फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा, अच्छे से अंदर तक नहीं पक पाएगा। और आप इसे 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकने दीजिए। और रेडी है देखिए हमारा मोमलेट की रेसिपी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।